ओम नमः शिवाय। पौष मास शुक्ल पक्ष बुधवार तृतीया तिथि दोपहर 2:45 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे। आज के पूरे दिन के कार्यकाल में मंगल के नक्षत्र का प्रभाव ही कायम रहेगा। चंद्रमा दोपहर 1:15 तक मकर राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोपहर तक चंद्रमा की युति केतु के साथ बनी रहेगी। तत्पश्चात चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि कायम हो जाएगी, मगर नक्षत्र पूरे दिन मंगल का ही कायम रहेगा, जिससे हर क्षेत्र में आपकी कार्यशैली सफलता दिलाने वाली होगी। हर कार्य के प्रति सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ विश्वास बना रहेगा। आर्थिक लाभ भी मन मुताबिक मिलता रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता बनी रहेगी और लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग भी बना रहेगा। विरोधी परास्त होंगे। वाद विवाद और मुकदमे से संबंधित कार्यवाही में सफलता मिलने का अंदेशा बनता है, मगर मानसिक संवेदनशीलता बनी रहेगी और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना भी संभावित है, मगर मंगल का नक्षत्र होने से विपरीत परिस्थितियों को गंभीरतापूर्वक धैर्य और हिम्मत से हल करने की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। आज बुधवार है। आज के दिन किसी को कर्ज या ऋण नहीं देना चाहिए, अन्यथा धन वापसी में दिक्कतें संभावित हैं। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक लगा रहेगा, जिसमें किसी नए काम की शुरुआत या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ आपके मन मुताबिक मिलता रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में विकास होगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन उन्नति भरा हो सकता है, मगर कुछ कामों में आपके पहल करने की के बाद भी देरी हो सकती है, मगर कार्य अवश्य पूरे होंगे। साझेदारी लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। वैवाहिक प्रयास सफल होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में सफलता लेकर आएगा। हर प्रयास फलीभूत होंगे। आर्थिक क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है। मौसम संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। स्वभाव में मृदुलता और सकारात्मक सोच हर क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध होगा। वाणी की सौम्यता कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता दिलाएगी। साझेदारी के कामों में सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, मगर विरोधियों से भी लाभ मिलने की संभावना बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता भरा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल होगी और सम्मान के पात्र बनेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध होगा। जीवन के हर पहलू में चुनौतीपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल होगी। संतान संबंधी बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे हो सकते हैं। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी या पार्टनरशिप लाभदायक रहेगी। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उन्नति के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता भरा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और प्रयास पूरे होंगे। वैवाहिक रिश्ते फलीभूत होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के साथ मौसम संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा और विकास की दर तीव्र होगी। आपके हर प्रयासों में सफलता संभावित है। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है। बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे और साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए विशेष उद्देश्यों की पूर्ति होगी और सफल रहेंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि कार्यक्षेत्र उपलब्धि वाला होगा और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। विरोधी परास्त रहेंगे। वाद विवाद या मुकदमे से संबंधित मामलों में सहयोग मिलेगा। नई व्यावसायिक योजनाओं में सफलता हासिल होगी और प्रयास सार्थक होंगे। निजी निवेश की योजनाएं लाभदायक रहेंगी। साझेदारी में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए निजी निवेश लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निजी रिश्तेदारों और सहयोगियों से आर्थिक लाभ संभव है। कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों का दौर जारी रहेगा। साथ ही राजनीतिक व्यक्तियों का साथ मिलेगा, जिससे आपके पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साझेदारी आज के लिए लाभदायक रहेगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर माँ के स्वास्थ्य की चिंता और मानसिक दबाव कभी कभार हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। प्रशासनिक सहयोग और अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा सहायक सिद्ध होगी। यदि निजी निवेश के लिए सोच रहे हैं तो सफल रहेंगे। भूमि वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे। साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और सफलता हासिल होगी। प्रेम प्रसंग और निजी रिश्तों में मजबूती आएगी, मगर मानसिक दबाव और उतावलापन को परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को चाहिए कि धैर्य और संयम से काम लें। वाणी में उतावलापन और व्यग्रता परिलक्षित होगी। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य क्षेत्र में लगे रहें, सफल रहेंगे। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। कार्य करने की क्षमता में सुधार होगा और अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों के साथ ही साथ संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। वाहन सावधानी से चलाएं। हालांकि वैवाहिक मामले सफल रहेंगे और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों को संयम से काम लेना चाहिए। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और व्यावसायिक उद्देश्यों में मिसाल कायम करेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को विभागीय सहयोग बना रहेगा और अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है, वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं और भावनात्मक रिश्तों की डोर मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल होगी। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रचनात्मक क्रियाशीलता और व्यावसायिक प्रेरणा बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कुछ बहुप्रतीक्षित कार्य जो अब तक रुके हुए थे, वह पूरे हो सकते हैं। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। प्रशासनिक सहयोग और विभागीय प्रेरणा जारी रहेगी। विरोधी परास्त रहेंगे। वाद विवाद या न्यायालय संबंधी मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौती भरा होगा, मगर सफलता हासिल हो सकती है। धैर्य के साथ प्रयास जारी रखें, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के साथ आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी भरा रहेगा। निजी निवेश और आवश्यक संसाधनों पर खर्च सोच समझकर करें। साथ ही कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं संभावित हैं। किसी की सलाह को सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुए ही कार्य रूप में परिवर्तित करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर कार्य क्षेत्र में कुछ ठहराव सा महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता भरा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।